नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अमेजॉन से परचेस किया हुआ ये LPG गैस रेगुलेटर है, जो घर में कुकिंग के लिए जो LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं उसका जो रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर हमने ऑनलाइन से परचेस किया है। ये दो चीज़ों के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, पहला तो कुकिंग गैस के लिए, मतलब LPG जो गैस स्टोर रहता है उसके लिए, और बहुत सारे लोग गैस गीज़र परचेस करते हैं। जैसे कि मेरा जो फेटे वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने गैस गीज़र घर में खुद ही से कैसे फिक्स करना वो मैंने बताया था। तो उसमें ऑनलाइन से आप गैस गीज़र परचेस कर सकते हैं, उसका पाइप से लेकर सभी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में यहाँ मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है ये रेगुलेटर है, तो इसको मैं फटाफट खोल कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रेगुलेटर आपके घर का ख़राब हो जाता है तो गैस की कंपनी में आपको रेगुलेटर ये बदल के मिल जाता है। उसके कुछ 250-300 रुपये चार्जेस लेते हैं, रिप्लेसमेंट चार्जेस। पर आपको यदि नया परचेस करना है, आपके घर में एक रेगुलेटर है और आपको अलग से एक परचेस करना है, यदि आप एजेंसी में जाते हैं जहाँ से आपका गैस सिलेंडर मिलता है, तो वहाँ वो अलग से एक्स्ट्रा देता नहीं है। उसका कहना ये रहता है कि आपको पूरा पैकेज खरीदना पड़ेगा, मतलब गैस चेगड़ी उसका पूरा कंप्लीट पैकेज खरीदना पड़ेगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तब जाके ये रेगुलेटर मिलता है। पर यदि आपको वैसा परचेस नहीं करना है, आप सिर्फ रेगुलेटर परचेस करना है, तो रेगुलेटर भी आप मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक रेगुलेटर मैंने परचेस किया है, अभी आप अमेजॉन से मैंने इसको ओपन किया है, और देखिए इस तरह का सेम रेगुलेटर है। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें ISI मार्क लिखा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इस तरह का गैस रेगुलेटर है, ये गैस जो फ्लेमिंग LPG गैस है। तो इसका मैं क्लोज व्यू आपको दिखा देता हूँ और कंपेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये इस तरह का अमेजॉन का बॉक्स आता है, इसके अंदर कुछ भी इसका मैनुअल वगैरह कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक में पैक हुआ था। और ये देखेंगे ये बॉक्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। हम इसको क्लोज व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इंडियन लिखा है, ऑन ऑफ का मार्किंग है, और ये 300 mm WC लिखा है, और 0.5 m³/h लिखा है इसमें, और यह लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और गैस गो फ्लेम इसका है, ISI मार्किंग भी दिया है, और CML भी नंबर है इसका। आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर से जो बनाते हैं वो इंडियन के लिए करते हैं, ब्लू कलर वाला रहता है HP के लिए रहता है, और जो येलो कलर का रहता है वो भारत के लिए रहता है। पर ये गैस गीज़र के लिए आपको चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, ये लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 150 रुपये से मिलता है, पर 150 रुपये की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो ये अप्रॉक्स 200 से 250 रुपये के बीच में मिलता है, और आप इसको लगा सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया है। मैं जितने भी गैस गीज़र लगाता हूँ तो ऐसे ही परचेस करता हूँ ऑनलाइन से, गैस गीज़र का पूरा सामान, और ये भी ये कैसे कहाँ से लेना है इसकी मैं जो बेस्ट वाले ऑफर वाले लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप दुकान से भी ले सकते हैं, पर दुकानदार इसको सेल नहीं करता, देता नहीं है, तो इसलिए एक बार लिंक में ज़रूर आप क्लिक कीजिए, आपको बेस्ट ऑफर वाली लिंक मिल जाएंगी। हो सकता है आप 150 रुपये वाला परचेस कर सकते हैं, पर 200 से 250 के बीच में जो मिलता है उसको आप परचेस कीजिए। देख सकते हैं आप, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट के जैसा। देखिए ये ऑन ऑफ की स्विच है, और यहाँ पे ये नॉब ऑन और ऑफ कंडीशन में ऊपर नीचे होता है। देखिए टेस्टेड ओके वगैरह लिखा है, इसका सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है, एकदम ओरिजिनल जैसा है। फ्रेंड्स, ये जो रेगुलेटर है ये अपने गैस गीज़र के लिए बेस्ट रहता है, और कुकिंग जो LPG गैस है उसके लिए बेस्ट रहता है। यदि आपको गैस स्टोव चाहिए, जैसे आचारी लोग वगैरह जो खाना होटल वाले वगैरह रहते हैं बड़े, उसके लिए अलग से एक रेगुलेटर है, गैस का रेगुलेटर अलग से आता है, पर उसमें ज़्यादा प्रेशर हाई प्रेशर वाला रहता है। ये रेगुलेटर रहता है, इसमें कम प्रेशर वाला है, ये तो हाई प्रेशर वाला गैस गीज़र के लिए सफिशिएंट नहीं रहता, तो यही एकदम बेस्ट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, आपके मन में कुछ भी सवाल है या सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका आंसर मैं दूंगा।